आर वेटिंग फॉर ए वर्डिक्ट प्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद में टू सी अवर चीफ मिनिस्टर गेटिंग ए मैसिव मैंडेट फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव टर्म. सिक्स टर्म, पांच टर्म कंटिन्यूअसली आया, सिक्स टर्म में भी वी आर श्योर दैट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ और लीडरशिप ऑफ श्री नवीन पटनायक एंड द 5T गवर्नेंस मोड और फोकस ऑफ श्री वी कार्तिकेयन पांडियन, हम लोग सिक्स टर्म तो जरूर आएंगे. और जरूर आने का बाद एक रिकॉर्ड होगा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री का जो आख्या है वो ओडिशा को मिलेगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी को मिलेगा. एंड द काइंड ऑफ वर्क और जितना काम नवीन जी किए हैं दैट वुड बी ए स्मॉल गिफ्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. ओडिशा आज करती है, नेशन मेन स्ट्रीम उसको कल उसको अप्रिशिएट करती है. ओडिशा में आज का दिन में जो 30 जिला परिषद है, 28 चेयर में अभी महिलाओं बैठे हुए हैं. वी आर द ओनली पार्टी विच हैज कमिटेड एंड गिवन वेमेन देयर रिजर्वेशन इन द असेंबली. अभी आपका जब केंद्र स्तर में जब पार्लियामेंट में मूव आया आप सुन के खुश होंगे, बीजू जनता दल वॉज द ओनली पार्टी, हमारा लीडर नवीन पटनायक हर पार्टी को वो आदमी भेजे सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेके, द लेट अस पास द 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा. तो द कमिटमेंट जब आपका रहेगा आपका डिलीवरी जरूर रहेगा, जो हमारे लिए सबसे अच्छा आइडल और एग्जाम्पल है. श्री भारत एक फेडरल, हम लोग एक संघीय गणतंत्र हम लोग बोलते हैं, तो वहां केंद्र का कुछ काम है, राज्य का कुछ काम है, मगर काम का रीजन में आप एक रिलेशनशिप स्पॉइल करोगे. मेरे को लगता है ओडिशा डजंट बिलीव इन दैट. रिलेशनशिप इज रेस्पेक्टेड एट ए डिफरेंट पॉइंट, मगर जब स्टेट का इंटरेस्ट आती है वी हैव टू टेल. अगर महानदी का सॉल्यूशन ना निकले हम लोग डेफिनेटली कुछ ग्रीवांस हम लोग देंगे. अगर पुल्लावरम का कुछ रिजल्ट ना निकले हम लोग डेफिनेटली कुछ बोलेंगे. अगर रेलवे जो हमारा जो 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 एक लाइफलाइन टाइप हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कितना गया और हम लोग कितना मिला, अगर वो जरूरी है तो हम लोग तब बोलेंगे. जनता दल इज ए फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल पार्टी विच इज 24/7 ऑन ग्राउंड. बीजू जनता दल एक ऐसे राजनीतिक दल है जो शुरू होने से आज तक करीबन 1997 शुरू होके अप्रैल एक जर्नी जो बीजू बाबू का डेथ का बाद December 26th आ रही है, अपना फाउंडेशन डे है, तब से आज तक जितना निर्वाचन हम लोग फेस किए हैं सर, बीजू जनता दल इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया जिसका वोट हर बार बढ़ती जाती है. तो देर मस्ट बी समथिंग, ऐसे होगा नहीं. अभी एट द मोमेंट वी हैव ए वोट परसेंटेज ऑफ 55%. पंचायत हम लोग हर जगह जीते और सबसे बड़ा है वी आर एम्पावरिंग. मंत्री का और से जो डायरेक्शन हम लोग को दिया गया है, हम लोग का एक कोशिश है भक्त और भगवान के बीच में वो गैप कम किया जाए. एक दूसरी जो आ रहे हैं उड़ीसा का अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके उड़ीसा से लर्नड चीफ मिनिस्टर, ए चीफ मिनिस्टर हु डजंट जंप टू खाली हल्ला गुल्ला के लिए वो नहीं जाते हैं. ही मीन्स इट. जब वो कुछ करने का सोचते हैं ही मीन्स टू डिलीवर इट. सो आपका वहां जब इश्यूज का ऊपर कुछ आती है वी हैव अवर ओन ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग वी विल वर्क इन टू दैट मोड. बट जहां अपना स्टेट का अंदर कुछ फाइट है वी फाइट इट टू द कोर. वी आर 24/7 प्रिपेयर. जगन्नाथ है हमारा अच्छा लीडर, नवीन पटनायक जी हैं जिनको 4.5 करोड़ उड़िया जो उनको उनको उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. और अभी जो विजन अपना 5T का चेयरमैन ले रहे हैं, आई एम हैप्पी दैट आई एम ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम. समय जहां MMR या IMR जो कंट्री का वर्स्ट था ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 25 years, अभी वो चीज पहुंच गई है आपका सबसे बेस्ट राज्य का अंदर में. एक ऐसे राज्य था जहां हम लोग सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, खाना नहीं था जो खाद्य पदार्थ वो नहीं था. अभी फूड प्रोडक्शन में ओडिशा 3rd rank में है. अभी वित्तीय जो परिचालना में लास्ट यस्टरडे का जो रिपोर्ट है इंडिया का बेस्ट है ओडिशा. से मैं निकला स्टूडेंट लीडरशिप से जहां मेरा स्कोप था कॉमन आदमी का पास पहुंचना, उनका साथ रहना. आई हैव स्टेड इयर्स अक्रॉस ओडिशा. अभी WODC बनी हुई है. एक टाइम था जब मैं पदयात्रा में था जो WODC का किया जाए, जब कांग्रेस का था जो किया जाए और उसका हेडक्वार्टर इस जगह में हो.
एक टाइम था जब कांग्रेस का एट्रोसिटी में इतना ज्यादा आदमी परेशान हुआ था, हम लोग पूरा रिवोल्यूशन टाइप करके एक चीज जो है युवा वर्ग जो है बिसाइड्स गोइंग टू टेम्पल, अभी उनको जो चाहिए भविष्य पीढ़ी को, कहीं एडवेंचर टूरिज्म, कहीं एकदम सॉलिट्यूड तालसरी जैसे एरिया, कहीं आपका इको रिट्रीट का एरिया, कहीं हिल में, कहीं प्लेन में, एक शिफ्ट। हांडी में पहले बोल रहा था जो भूख हंगर का ज्योग्राफी था कालाहांडी, अभी अभी क्या है, अभी हम लोग बोल रहे हैं भोक्कर और भूगोल भातोहांडी, अभी देश का जो सबसे बेस्ट राइस प्रोडक्शन वो कालाहांडी से हो रहा है। एक चेंज आई है, जो चेंज फ्रॉम विद इन आई है, मगर अभी एक जंप भी हम लोग देख रहे हैं, जो जंप हम लोग जो ट्रेडिशनल पैटर्न था सिर्फ देवा देवी देवी या देवताओं का, अभी वो शिफ्ट आया है एडवेंचर टूरिज्म में, इको रिट्रीट में, कैरेवन टूरिज्म में, ये सब चीज आपको एक्साइटेड पार्ट अभी है जहां लोकल पीपल आर बीइंग एंगेज्ड। एक इको रिट्रीट हुआ दारिंगबाड़ी जैसे जगह में, करीबन 100 लोकल आदमी वहां, उनके लिए एक जॉब का पर्सपेक्टिव मिलता है, टूरिज्म का पर्सपेक्टिव मिलता है। हमारा यहाँ जो टीम है, आई हैव ए टीम मेंबर्स ऑफ अराउंड 700 पीपल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर यंग एंड फ्रॉम रूरल एरियाज, और यहाँ रूरल और अर्बन में गैप बहुत कम है। कल मैंने एक दिन पहले हम स्टेट म्यूजियम में एक कार्यक्रम में था जहां करीबन 70 यंग स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स आके पहुंचे हुए थे, जिनका काम था म्यूजियम में पहले वो उड़ीसा का हिस्ट्री का बारे वो कल्चर करेंगे, पहले उड़ीसा का जो मैरिटाइम ग्लोरी है उसका बारे कल्चर करेंगे, उसका बाद वो जाएंगे बाहर अपना टूरिस्ट स्पॉट में जहां वो बाकी सारे आदमियों को एडुकेट। हर आदमी का अंदर एक रहता है, आई हैव ट्राइड टू कीप इट अलाइव एज ए रिसर्चर, एज ए थिंकर, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए बीजेडी मेंबर, एज ए फॉलोअर ऑफ नवीन पटनायक, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हैव दैट यूथफुलनेस इन मी। और मेरे को लग रहा है सर, जो स्टूडेंट लीडरशिप से आते हैं मेनस्ट्रीम में, उनका अंदर एक बच्चा हरदम रहता है टिल ही डाइज और सी डाइज, तो आई विल कीप इट अलाइव। आई एम ट्राइंग हार्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डू द वे दैट माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड 50 चेयरमैन एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ मी, एंड थिंग्स आर हैपनिंग। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। उड़ीसा अगर तीर्थ की बात करेंगे तो हिंदू और सनातन सभ्यता में एक ऐसे धाम का मालिक है जहां पर जग के मालिक रहते हैं, यानी जगन्नाथ जी रहते हैं। जगन्नाथ जी के साथ साथ लिंगराज जी की अपनी एक व्यवस्था है। कोणार्क मंदिर से लेकर समुद्र तट का वो फैला हुआ इलाका है जो बताता है कि उड़ीसा कितना सामर्थ्य और समर्थवान रहा है। सनातन सभ्यता और हिंदू सनातन सभ्यता की अगर बात करेंगे तो उड़ीसा की कला संस्कृति एक अलग रूप लेती है, लेकिन यह सब हम जानते हैं उड़ीसा पर्यटन विभाग के जरिए। और जब हम ओटीडीसी की बात करते हैं तो ओटीडीसी के अंदर नवीन पटनायक जी के अपने एक विजन को आगे बढ़ाते हुए उनके ऐसे साथी मुस्तैद हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर वो चाक चौबंद व्यवस्था की है कि बदलते उड़ीसा के साथ यहाँ का पर्यटन विभाग, यहाँ का टूरिज्म दुनिया को बोले कि आप उड़ीसा जरूर आए। और वो व्यक्तिगत अपनी सोच और अपनी राजनीतिक छात्र नीति से लेकर अब तक की अपनी पूरी विधा का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। खुलकर इसलिए कि यहाँ का नेतृत्व उनको खुलकर काम करने की आज़ादी देता है और उनकी सोच में खुद ही आजाद ख्याल उड़ीसा है, क्योंकि उड़ीसा उनको उनकी नजरिए से और उनके अपने परिवेश में पूरी तरीके से ताकतवर दिखता है और उसको और ताकतवर दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय खुद एक बार दें कि देश और दुनिया के लोग समझें कि जो ओटीडीसी चेयरमैन का एक पद होता है उस पद का दर्द क्या है और दवा के रूप में आप कैसे दुनिया को इस समय उड़ीसा के जरिए दे रहे हैं। दर्द और दवा का बात तो हम लोग अभी बात करेंगे, मगर प्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद से हमारा जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, वो निष्पत्ति लिए जिसको इंप्लीमेंट किए 5T का चेयरमैन साहब, जो मैं यहाँ ओटीडीसी का चेयरमैन रहूं। और सबसे बड़ा बात है,
उड़ीसा में सब कुछ है, उसलिए एक टैगलाइन अपना उड़ीसा टूरिज्म में दी गई है, उड़ीसा द बेस्ट केप्ट सीक्रेट। साहब आप जैसे बोल रहे थे जो चार धाम जो अपना है हिंदू धर्म में, चार धाम में हम लोग सोचते हैं श्रेष्ठ धाम है पूरी धाम। एक समय था जब पूरी धाम हर आदमी का इच्छा था, जो एक बार मैं पूरी धाम जाऊं और जाके आओ यहां वापस आके पहुंचू। एक बड़ा चीज हुआ है जो आप देखोगे उड़ीसा में हर जगह माता जी का मंदिर है, प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर है, बाबा लिंगराज का मंदिर है, और आप जहां जहां ये महानदी बेसिन है वो महानदी बेसिन का आइदर साइड आप देखेंगे देवा देवती जो है देवी मां का मंदिर भरे पड़े हैं उड़ीसा में विभिन्न पॉइंट में। आप स्टार्टिंग फ्रॉम संबलपुर टिल आपका पुरी, आप हर जगह देखोगे जहां रिवर बेसिन है वहां देवी मां का मंदिर है। और हमारा यहाँ जो लक्ष्मी नृसिंह जी का पूजा का जो अपना आदत है, या बाबा शिव मंदिर में शिव का पूजा का जो आदत है, आदमी उसमें कन्फाइन पहले रहते थे, बट धीरे धीरे एक चेंज आई है, जो चेंज फ्रॉम विद इन आई है, मगर अभी एक जंप भी हम लोग देख रहे हैं। जो जंप हम लोग जो ट्रेडिशनल पैटर्न था सिर्फ देवा देवी देवी या देवता का, अभी वो शिफ्ट आया है एडवेंचर टूरिज्म में, इको रिट्रीट में, कैरेवन टूरिज्म में। ये सब चीज आपको एक्साइटेड कर देती है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इट इज अ फेज जहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो समय का अनुसार जो परिवर्तन आ रही है और युवा पीढ़ी का जो डिमांड है, धीरे धीरे हम लोग एक शिफ्ट आ रहे हैं। हम लोग पोस्ट कोविड जो चेंज हम लोग देख रहे हैं, यूथ जो है, युवा वर्ग जो है, बिसाइड्स गोइंग टू टेम्पल, अभी उनको जो चाहिए भविष्य पीढ़ी को, कहीं एडवेंचर टूरिज्म, कहीं एकदम सॉलिट्यूड तालसरी जैसे एरिया, कहीं आपका इको रिट्रीट का एरिया, कहीं हिल में, कहीं प्लेन में, एक शिफ्ट जो है। और माननीय मुख्यमंत्री का और से जो डायरेक्शन हम लोग को दिया गया है, हम लोग का एक कोशिश है भक्त और भगवान के बीच में वो गैप कम किया जाए। एक दूसरी जो आ रहे हैं उड़ीसा का अंदर, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके उड़ीसा से लौटे। मेरा जितना समय अभी इस बीच में गई है, एक क्लीन मूवमेंट में गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का और 5T चेयरमैन का वही एडवाइस को इंप्लीमेंट करने में, जो एनीवन हु कम्स टू उड़ीसा जब लौटेंगे एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा अनुभूति लेके वो यहां से लौटे। एक बड़ी बात जब आपने एक युवा सोच की बात की, और युवा जोश भी चूंकि आपके परिवर्तन के साथ चल रहा है, तो आपने तो छात्र राजनीति का जीवन देखा है, तो छात्र राजनीति वाले तब लेनिन मोहंती जी रहे होंगे, आपके बाद में डॉक्टर लेनिन मोहंती बने, तो लेनिन मोहंती और डॉक्टर लेनिन मोहंती में कितना अंतर आया है? मुझे लगता है उसमें कंटिन्यूटी है सर। कंटिन्यूटी इस रास्ता में है, जब मैं छात्र राजनीति में स्टार्ट किया, हमारा अभिमुख्य था स्टूडेंट्स का इशू को लेके आगे जाना। उड़ीसा का जितना प्रीमियर कॉलेजेस है, ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस का मैं प्रेसिडेंट होने का सौभाग्य मेरा है। पहले बीजू बाबू का जो लेजेंडरी लीडर अपना उड़ीसा का, बीजू बाबू अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का फादर जो थे, उड़ीसा का पूर्वतन मुख्यमंत्री प्रभात पुरुष बीजू पटनायक बोलते हैं उनको, वो मेरे को पहले इंस्पायर किए रेवंसा में प्रेसिडेंट बनने का। आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी, आई वॉज द प्रेसिडेंट। उसका बाद मैं उत्कल यूनिवर्सिटी में भी प्रेसिडेंट बना। इस बीच में मेरा लक था, मैं JNU में भी पढ़ा दिल्ली में, वहां भी मैं स्टूडेंट इलेक्शन में था और जीता। इस स्टूडेंट इलेक्शन में रहने का वक्त एक ऐसे टाइम आया जहां उड़ीसा डिवास्टेटेड था, उड़ीसा में तहस नहस कर दी थी 99 का साइक्लोन। आई वॉज प्रिविलेज्ड एज ए स्टूडेंट लीडर उस वक्त काम करने के लिए, क्योंकि मेरा जो गांव है निमापड़ा, आप ले लीजिए जो कोस्ट का पास है, आप बालेश्वर हो या जगत्सिंहपुर हो, 10,000 उड़िया या उड़ीसा वासी का डेथ हुआ था उस समय, एक हाहाकार मचा हुआ था। हमारा चांस था जो उनका पास जाके पहुंच सके, कुछ उनको
रिलीफ दे सके, उनका साथ कुछ अनुभूति शेयर कर सके, जिस वास्ते लेटर ऑन जब मैं वो काम खत्म हो गया, नॉर्मल सी रिटर्न आया, दिल में एक आया जो फील्ड में जो काम किया है उसी का ऊपर मैं अपना पीएचडी करूं। और मैं पीएचडी किया हूं इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन ऑन वेमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ओडिशा, क्योंकि मेरे को लगा अगर एक सिस्टमेटिक रिसर्च किया जाए इसका ऊपर लॉन्ग रन में, बिकॉज ये तटीय राज्य है, कोस्ट बहुत पास है, एक लंबा सा कोस्ट अपना पास है, जितना एडवांटेज है उतना चांसेस है रेगुलर नेचुरल डिजास्टर का। तब मैं जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिला, उनका जो विजन है, एक ऐसे राज्य जहां कंप्लीटली डिवास्टेशन था, 10,000 जो अपना आदिवासी है उनका डेथ हुआ था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आने का बाद नवीन पटनायक अभी सारा विश्व में एक इमेज किया हुआ है उड़ीसा, जहां नेचुरल डिजास्टर को कंट्रोल करने में हम लोग एक नंबर राज्य माना जाते हैं। आप सोचिए सर, अगर एक फ्लड आ जाती है वेस्ट बंगाल में, उसको बैक टू स्क्वायर वन आने के लिए उनको लगता है करीबन एक साल। बिहार में कोसी में आ गई, उसमें आज तक वो सुधरा हुआ नहीं है। हमारा हर साल 4 या 5 साइक्लोन आएगा, फ्लड आएगा, बिकॉज इट्स ए तटीय राज्य। और हमारा सबसे जो मैं बोलूंगा एक स्कोप लगा, स्टूडेंट लीडरशिप का एक्सपीरियंस जब पीएचडी का बाद में काम करने में लगा, दैट हेल्प मी अलॉट। उसलिए मैं सिर्फ इतना आपको बोल सकता हूं, आपका तो लंबा अभिज्ञता है, जो एक ऐसे माहौल से मैं निकला स्टूडेंट लीडरशिप से, जहां मेरा स्कोप था कॉमन आदमी का पास पहुंचना, उनका साथ रहना। आई हैव स्टेड इयर्स अक्रॉस ओडिशा। अभी डब्ल्यूओडीसी बनी हुई है, एक टाइम था जब मैं पदयात्रा में था, जो डब्ल्यूओडीसी का किया जाए, जब कांग्रेस का था, जो किया जाए और उसका हेडक्वार्टर इस जगह में हो। एक टाइम था जब कांग्रेस का एट्रोसिटी में इतना ज्यादा आदमी परेशान हुआ था, हम लोग पूरा रिवोल्यूशन टाइप करके एक चेंज आया। एक अच्छा चीज लग रहा है अभी, जो स्टूडेंट लीडरशिप का एक्सपीरियंस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आने का बाद नवीन पटनायक जी, मेरे को पहले असाइनमेंट दिया गया ओडिशा का जो पब्लिकेशन है उड़िया और इंग्लिश में, मैं उसका एडिटर काफी वक्त तक रहा। इसको फिर कवर करने के लिए मेरा एक सौभाग्य भी हमको मिला, ये सब सारे चीज डेवलपमेंट का चीज लोगों का पास पहुंचा सका मैं, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है ओडिशा में। जहां एमएमआर या आईएमआर जो कंट्री का वर्स्ट था ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 25 ईयर्स, अभी वो चीज पहुंच गई है आपका सबसे बेस्ट राज्य का अंदर में। एक ऐसे राज्य था जहां हम लोग सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था, खाना खाने के लिए पैसा नहीं था, खाना नहीं था, जो खाद्य पदार्थ वो नहीं था। अभी फूड प्रोडक्शन में ओडिशा 3rd रैंक में है, अभी वित्तीय जो परिचालना में लास्ट यस्टरडे का जो रिपोर्ट है, इंडिया का बेस्ट है ओडिशा। उसीलिए मेरे को इतना अच्छा लगा, जो प्रभु श्री जगन्नाथ है, हमारा अच्छा लीडर नवीन पटनायक जी हैं, जिनको 4.5 करोड़ ओडिया, जो उनको उनको उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जो विजन अपना 5T का चेयरमैन ले रहे हैं, आई एम हैप्पी दैट आई एम ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम। ये बड़ी बात है कि जब आप अपनी यात्रा को एक एक्सटेंशन के रूप में देखते हैं कि आप प्रगति पर हैं, तो आपका अनुभव छात्र राजनीति का, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को खुली आंखों से देखना, क्योंकि आप उस इलाके से हैं जहां हर बार समुद्र के चपेड़े पड़ रहे हैं आपको, तो वहां से निकलकर ओटीडीसी चेयरमैन का पद, तो अब क्या लगता है कि टूरिज्म विथ डिजास्टर कितना कंपेटेबल आप बना पाए हैं और क्या नीतियां आगे की? वो तो उसका तो अभी जो 3 दिन पहले एक साइक्लोन फिर हुआ, एक इनफैक्ट एवरीबडी वाज पिटर्ड, बट टूरिज्म डिपार्टमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड 5T चेयरमैन, हम लोग इतना प्रस्तुत थे, राइट नियर समुंदर हमारा इको रिट्रीट है, वी वर नॉट वरीड। जिस दिन हुआ ये साइक्लोन उसी दिन हम लोग का इको रिट्रीट का इनॉग्रेशन हुआ। और बेस्ट पार्ट है, पहला दिन ही 70 यूनिट वाला जो है सब भरे हुए थे, हम वी वर नॉट वरीड। जो ये भी ये जो हवा बहुत तेज हवा आती है, कुछ डैमेज हो जाएगा, नथिंग हैपेंड। तो मतलब कहने का मतलब है कि मोदी जी तो कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो, और आपने आपदा में पूरा का पूरा अवसर बना ही दिया है कंप्लीट। ऑल क्रेडिट्स टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, ऑल क्रेडिट्स टू 5T चेयरमैन। सबसे बड़ा बात है, आप देखिए आपका प्रस्तुति, आप किस किस टाइप का आप
प्रस्तुति लेते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो कैजुअलिटी, जीरो कैजुअलिटी जब चिंता करेंगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप उसी हिसाब से आपका प्रस्तुति लेते हो। 99 का बाद से जो ऑपरेशनल चेंजेस आई हुई है दैट इज रिवोल्यूशनरी। पहले हमारा कुछ होता था तो आंध्रा से आते थे आदमियों, यहां हमको प्रोटेक्शन देते थे, बाहर राज्य से आ रहे थे। अभी बाहर कुछ होता है तो हम जाते हैं वहां प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि एक तो है फेडरल स्ट्रक्चर, दूसरा वी हैव काइंड ऑफ फाइन ट्यून्ड अवर सिस्टम, ए सिस्टम विच इज वर्किंग एज ए टीम, विच इज ट्रांसपेरेंट एंड विच इज इंक्लाइंड दैट समथिंग बिग शुड हैपन। एंड आई विल गिव ऑल क्रेडिट्स टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिकॉज इट इज हिम हु इज पुशिंग अस ऑल ऑफ अस टू डू दिस थिंग। और अभी तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा मैं बोलूंगा। उसका रीजन है अभी जो सिस्टम है 5T हो, मो सरकार हो, द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ डिफरेंट लीप। अभी हमारा आप वो जो गांधीयन आइडियोलॉजी, पहला स्टेट ये होगा जहां ग्रीवांस रिड्रेसल का माहौल है, जहां CMO जाती है ग्रास रूट, पंचायत जाके आपका ग्रीवांस पिटिशन लेके आती है। और यू विल बी सरप्राइज्ड, आउट ऑफ द 57,000 पिटिशंस दैट वर रिसीव्ड, ऑलमोस्ट 99% जो है उनमें से दैट हैज बीन सॉल्वड। ये तो आप बिल्कुल अलग तरीके की परिकल्पना बता रहे हैं, जिसमें लोकतंत्र में सबसे पहले शायद इसका आधार रखा गया होगा कि समाज को बराबरी का हक है। हाँ। और जो जन प्रतिनिधि हैं उनको जनता के द्वार पे जाना है, उसके दरबार में जनता को नहीं जाना है। जी। तो आपको क्या लगता है कि जो स्माइलिंग पनोरमा है नवीन पटनायक जी का, इस स्माइल के पीछे आत्मविश्वास जो बीजू पटनायक जी का था उड़ीसा को लेकर, उड़ीसा को के लोगों को लेकर, वो आज और बढ़ रहा है? मेरे को तो वही लग रहा है आप जो बोल रहे हैं। आई हैव बीन विद सर सिंस द डे ही अराइव्ड हियर, ही इज अ डिफरेंट लीडर, पैशनेट है, एंड आप सही बोले, ही इज डिटरमिंड, ही इज फोकस्ड। नवीन पटनायक इज अ डिफरेंट लीडर ऑल टुगेदर, वो ही इज अ स्टेट्समैन। आप देखोगे ही इज द ओनली लीडर इन द कंट्री नाउ जो जिनको हर जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो रेस्पेक्ट करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्ट करते हैं, ही लव्स हिम। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल अदर स्टेट्स, पॉलिटिकल डिफरेंस रह सकती है, दैट इज इमेटेरियल। पॉलिटिकल डिफरेंस, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, किसका किसका साथ मिले ना मिले वो तो दूसरी बात है, मगर एज ए पर्सन इज बीइंग रेस्पेक्टेड। और जब मैं बोल रहा हूं पर्सन, बिकॉज उनका काम उनको रेस्पेक्ट दिला रहा है। हम लोग यहां बोलते हैं बार बार अपना कॉलोकियल लैंग्वेज में, जे माननीय मुख्यमंत्री को कामों कथा हुए, वो ज्यादा बोलते नहीं है, जब भी कुछ करने का होता है वो डिलीवर करते हैं काम का माध्यम में। जिस वास्ते अभी आप देखिए स्पोर्ट्स, प्रॉबली 20 years बैक ओडिशा वॉज द लास्ट इन स्पोर्ट्स, अभी ओडिशा स्पोर्ट्स हब है। ओडिशा में एक ऐसे माहौल आई हुई है अभी जहां आपका स्पोर्ट्स और साइंस इंटीग्रेट करके ओलंपियन अभिनव बिंद्रा का लीडर इन्वॉल्वमेंट में अभी हम लोग का जो स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस खुली गई 2 दिन पहले, एवरीवन इज टर्न। क्या आप कभी सोच सकते हैं इंडिया का जो राष्ट्र खेल है हॉकी, उसको टिल 2036 ओडिशा जैसे राज्य टोटल स्पॉन्सरशिप देगी? यहां का फोकस है एक ऐसे ऐतिहासिक, आप फिर बैक करवा रहे हो जो आदमियों का इच्छा है। और मेरे को लग रहा है अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ नवीन पटनायक एंड गाइडेंस ऑफ श्री वी कार्तिकेन पांडेन, लॉट्स ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग, दैट इज व्हाई पीपल आर हैप्पी। अब एक सवाल उठता है जो मेरे जहन में बार बार उठ रहा है कि धाम की एक अपनी प्रतिष्ठा है। जी, मतलब बोलते हैं कि आस्था अपनी जगह है। जी, तो आस्था और पर्यटन आप दोनों को बिल्कुल एक साथ हाइट पर ले जा रहे हैं। जी, तो क्या पॉलिसीज हैं पर्यटन विभाग की कि दोनों बची रहे, आस्था बची रहे और पर्यटन भी बढ़ता रहे? देखिए, आपका ये क्वेश्चन एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। जैसे ओडिशा, जैसे पुरी इज नॉट गोवा। गोवा आदमियों जाते हैं, सिटीजन्स जाते हैं देश का, बाहर से विदेश से, उनका काम है प्लेजर ट्रिप। गोवा वो जाते हैं, गोवा में खुश रहेंगे, घूमेंगे, समंदर का मजा लेंगे और वो चले आएंगे। बट पुरी एक धाम है, जगन्नाथ कल्चर है, जो एक ह्यूज, एक जगतोरनाथ, जगन्नाथ हम लोग बोलते हैं, जहां
आपका सात्विक माइंडसेट है, साइमल्टेनियसली बीच भी है। सो हम लोग एक ऐसे लेते हैं, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी का जो आपका जो मेगा प्रकल्प अभी चल रही है वो पूरी का प्रकल्प जनवरी 17 में इन ऑल प्रोबेबिलिटी उसको लोकार्पण किया जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनको लोकार्पण करेंगे प्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद में। आप वहां देखेंगे जो आ रहे हैं भक्त उनके लिए सब व्यवस्था, और साइमल्टेनियसली जो टूरिस्ट आ रहे हैं ओडिशा उनके लिए भी सब व्यवस्था। हमारा यहां एक दो होटल छोड़ के 10-20 साल पहले कुछ नहीं था, अभी ऑल दी 5-star होटल्स दोज आर देयर इन कंट्री दे आर मेकिंग ए बी लाइन टू कम टू पुरी। टूरिस्ट आर बीइंग प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी। और आपके लिए मैं एक स्टेटिस्टिक्स सिर्फ दे रहा हूं, कोविड का बाद 2021-22 में हमारा टूरिस्ट फुटफॉल में ग्रोथ आई है डोमेस्टिक फुटफॉल में 875%। हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ी है 115%। आप अगर मिला दोगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट का, हमारा लास्ट ईयर का टूरिस्ट फुटफॉल ऑलमोस्ट 1 crore है। जिस वास्ते हम लोग अभी सोच रहे हैं, जैसे ओडिशा इज ओडिशा में सब कुछ है, हर राज्य में कुछ विशेषता है और बहुत चीज है, मगर ओडिशा में कहीं माइंस है, जितना जमीन का अंदर है उतना जमीन का ऊपर है। और हमारा अभी जो पोजीशन है हम अपना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ए वे जहां टूरिस्ट जो आ रहा है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट जा सकते हैं, जैसे दारिंगबाड़ी टाइप जगह में जाके आनंद अनुभव कर सकते हैं, देवमाली में बैठ सकते हैं। आपका माइग्रेटरी बर्ड्स का सीजन है सर, अभी आप चिलिका चले जाएंगे, आपको आप यू विल जस्ट से इतना अच्छा लगेगा। सो हम लोग एक बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जहां एक भक्त शांति से प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता है, मां लक्ष्मी जी का दर्शन कर सकता है, बाबा लोकनाथ का दर्शन कर सकता है, और साइमल्टेनियसली एक टूरिस्ट पूरी बीच में बैठ के वट एवर इज एक्सपेक्टेड एक टूरिस्ट एक्सपेक्ट करता है शांति से, वो उसका आनंद ले सकता है। मतलब आने वाले समय में गोवा और केरला को सावधान होना चाहिए कि उड़ीसा का टूरिज्म जो है उनका कुछ टूरिज्म यहाँ खींच सकता है। देखिए केरला का साथ एक मैं बोल रहा हूँ एक क्या बोलूं उसको, केरला का साथ एक ना तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ना हम थे, मगर कोविड हमारा एक टेस्ट लिया था। जब हमको हर आदमी बोल रहा था 100 साल पीछे का बारे सोच के, जो नहीं क्या होगा कोविड में, उड़ीसा में इतना आदमी मर गए थे 100 साल पहले, इस बार भी वो जो ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था तब का पैरेलल लेके जब कोविड शुरू हुई, बहुत सारे स्टोरी बहुत आदमी बोल रहे थे। यू विल बी सरप्राइज सर, जब कंपैरिजन आया उड़ीसा का साथ केरला का हेल्थ फैसिलिटीज में, जिसको हर पैरामीटर में बोला जा रहा था जो आगे है, उड़ीसा स्टूड बेटर, उड़ीसा में कम लाइफ गई, उड़ीसा में जो चीज अवेलेबल उस समय कर दिया गया, एक चीज प्रमाण कर दी गई, जो अंडर एबल लीडरशिप ऑफ नवीन पटनायक मेनी थिंग्स कैन हैपन। आई वुड ऑल्सो थैंक 5T चेयरमैन, द रीजन बीइंग हर जगह हर सुबह वो जाके जो पॉइंट में जरूरी है वो पहुंचते थे। आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड जो उस समय रात 2 बजे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का इंटरेक्शन में एक कोवास मशीन, जो मशीन रात 2 बजे पुणे से आने वाली थी ब्लॉक होके था, रात 2 बजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फोन कर रहे हैं लार्जर इंटरेस्ट में, वो मशीन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का साथ बात करके आ रही है ओडिशा। ये क्लासिक केस जहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज रेस्पेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर एंड साइमल्टेनियसली अपना जो फैकल्टीज है उनको ग्रूम कर रहे हैं। आप सरप्राइज होंगे, हेल्थ का बारे हम लोग बात कर रहे हैं, 20 साल पहले जब गवर्नमेंट आया अंडर एबल लीडरशिप ऑफ श्री नवीन पटनायक, हमारा पास सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज था, आज 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे पास कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था, आज अपना पास 20 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और जो प्रोग्राम है विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना, आपको छोटी सी बात में बता रहा हूं, उस प्रोग्राम में हर महीना खर्चा होता है अराउंड 250 crores। और बेस्ट पार्ट है एवरी वन ऑलमोस्ट 1 crore परिवार के लिए वो बनाई गई है, जेंट्स के लिए 5 lakh, औरत के और जो अपना फीमेल कम्युनिटी है उनके लिए 10 lakh करके दी गई है। एंड नाउ हर आदमी आप पूछेंगे, इवन जो
ओपोनेंट भी है, दे आर अप्रिशिएटिंग बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना. सो देर हैज बीन ए पैराडाइम शिफ्ट हेल्थ में, देर हैज बीन ए पैराडाइम शिफ्ट जो एंसिलरी एक्टिविटी में, जिस वास्ते अभी हेल्थ हब का स्टेटस भी उड़ीसा को मिल गई है. तो ये तो बड़ा अलग तरीके का, चूंकि आपके पास एक पद भी है बीजेडी बीजेडी स्पोक्स पर्सन का, तो मुझे लगता है कि आप 10 शब्दों में बता सकते हैं कि बीजेडी देश की तरफ किस किस पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रही है. जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स हब बन रहे हैं, आप टूरिज्म हब ऑलरेडी है ही हैं, आप रिलीजियस टूरिज्म हब है ही हैं, तो क्या मेडिकल टूरिज्म हब की तरफ भी उड़ीसा ने कदम बढ़ा दिया? नहीं, आप देश के बारे जब बोल रहे हैं, 3 दिन पहले आप सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई आर्टिकल 370 में, जब नंबर्स का बात आया, उसको पास करवाने का बात आया, बिकॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपना जो नवीन जी है वो बिलीव करते हैं राष्ट्र हित के बारे, उसीलिए वो सपोर्ट किए. आज 370 जो लाइट ऑफ द डे देख रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको वेटिंग की, ऑल क्रेडिट्स टू द सिस्टम बट मेनी क्रेडिट्स टू माय चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक. आप जब मुस्लिम वुमन का तलाक वाली बिल आई, जब हर आदमी डिबेट किया, बहुत सारे बात उनका ऊपर आया, मगर नेशनल इंटरेस्ट में तब भी बीजेडी सपोर्ट किया, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूचर ऑफ लॉट ऑफ वुमन. दे माइट बी हिंदू मुस्लिम, दैट इज डिफरेंट, बट मुस्लिम वुमन के लिए वो रिलीफ में रिलीफ आ रहा था. मगर जब देश का इंटरेस्ट आता है बीजू जनता दल, बिकॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक नेशनलिस्टिक चीफ मिनिस्टर है, एक स्टेट्समैन है, हम लोग के लिए नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है. आप जैसे देखे, एक वर्ल्ड कप हॉकी का बात आई, 4 स्टेट रिफ्यूज किया, बट उड़ीसा में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और 5T चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट में हमारा यहां वर्ल्ड कप हॉकी एक बार नहीं, दो बार. ये तो राष्ट्रहित में है. आप जब अपना हॉकी को स्पॉन्सरशिप का बात आया, जब हर आदमी सोच रहा था प्राइवेट कोई पार्टी उसको या प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करेगा, बट बिकॉज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज हिमसेल्फ अ स्पोर्ट्समैन, वो क्या डिसाइड किए, जो हॉकी का जो टीम है आपको 2036 तक उड़ीसा स्पॉन्सरशिप करेगा. बड़ा बात है स्पॉन्सरशिप, खाली नहीं है, बड़ा बात है ये जो स्पिरिट ऑफ बैकिंग हमको फेच किया ओलंपिक का एक मेडल, छोटी बात नहीं है. इसलिए मैं, मेरा यही बात है, जो बिकमिंग ए हब इज फाइन, एज समबडी हु लव्स ओडिशा, एज समबडी हु लव्स नवीन पटनायक एंड वी कार्तिकेयन पांड्यन, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू स्पीक ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. बट जो बड़ी बात है, विजिबल चेंज ग्राउंड लेवल में है सर. आप कोई भी, आप तो एनलाइटेंड आदमी हो सर, यू आर मूविंग अक्रॉस द कंट्री, आई वुड लव टू आस्क यू, आप कोई भी हॉस्पिटल अभी जाइए, यू विल फाइंड अ विजिबल चेंज. एक ऐसे राज्य जहां डॉक्टर का हर महीना, हर साल डॉक्टर का जो आउट हो रहे थे, अराउंड 300 डॉक्टर्स निकल रहे थे, 24/7 विल बी अ डॉक्टर सरप्लस स्टेट, हर साल 2200 डॉक्टर निकलेंगे. वी आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. हम एक चीज, हमको, हम सबको, वी आर इंस्पायर्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ही इज फोकसिंग ऑन इश्यूज कंसर्निंग द स्टेट एंड मेनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व. अब एक बड़ी बात है, भारत सरकार वाटरवेज को लेकर के बड़ा सक्रिय है, शिपिंग पोर्ट्स में. जैसा मैं एक राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सागरमाला योजना बड़ा चेंज ला रही है. सागरमाला योजना केंद्र सरकार की, उड़ीसा का टूरिज्म आप एक जिम्मेदारी के साथ संभाल रहे हैं, तो ये जो मुस्कुराहट है नवीन पटनायक जी की, और जो मुस्कुराहट आप लोगों के अंदर दिखती है, जो उसका एक अपना वर्चस्व है, तो क्या लगता है कि कितना ज्यादा फायदा उड़ीसा सरकार सागरमाला और वाटरवेज में लेकर उड़ीसा के अंदर पर्यटन व्यवसाय और लोगों को रोजगार जनरेट कर? देखिए, हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर में है, जो लार्जर इंटरेस्ट में होगा अगर उड़ीसा में की गई तो हम लोग खुशी होंगे. जैसे कोस्टल हाईवे का बात आई, मच बिफोर कोस्टल हाईवे हैज टेकन ए शेप, उससे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का आइडिया में हम लोग बीजू एक्सप्रेस वे ऑलरेडी कर चुके हैं पश्चिम उड़ीसा में, जो जहां आपका दोनों साइड इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के अभी रहा है. वी हैव आवर ओन एग्जाम्पल. मगर अगर कोस्टल हाईवे आ रही है तो अनेकों जगह होगा जो जगह बेनिफिट लेगा. तो उस वास्ते जब हम लोग देश का एक हिस्सा है, कोई भी अच्छा चीज जो देश के लिए सोचा जा रहा है अगर हमें मिला तो अच्छा है. मगर हम लोग एक ऐसे राज्य से है जहां हर साल
आपका फ्लड है, आपका साइक्लोन है, आपका नेचुरल डिजास्टर्स है, उसमें हम लोग डिमांड भी करते रहते हैं जो हमें स्पेशल फोकस स्टेट का स्टेटस दे दीजिए। क्योंकि आपका जब शेयरिंग पैटर्न आता है, कोई भी चीज जब आपका आपका एक प्रोसेस में कोई भी चीज दी जाती है, एक ऐसे समय था जहां आपका 25-75 था, स्टेट का 25 सेंटर का 75 था, अनेकों राज्य है जहां 90-10 है, 90 सेंटर का है 10 स्टेट का है, हमारा यहां 50-50 का है। आपका पीएम आवास का बारे बात बोले, आपका जो भी चीज है 60-40 है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट स्टेट लेती है, तो नेचुरली वी आर रेडी टू कैरी द बर्डन। जैसे आपका एक छोटा सा बात बोलो, कभी कभी हमें भी अखराता है, जो जो हाईवे बन जाना चाहिए जहां और जाने नहीं जाना चाहिए, हम हमारा भी वही रास्ता वैसे ही जरूरी है। कुछ स्पॉट है जो हम भी चाहते हैं जितना जल्दी हो जाना चाहिए, आज तक वो हुई नहीं है, मगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ग्रेसियसनेस देखिए, वो इतना भी बोले हुए हैं जो हम लोग जमीन भी देंगे, फंड्स भी देंगे, यार इसको खत्म करो। अभी एक ऐसी सिचुएशन आया और कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं है, अभी एक सिस्टम में आपको डिलीवरी जरूरी है, आपको काम करने का तरीका लेने का जरूरी है, एंड एक लास्ट एंड वाला आदमी जो चाहता है वो कैसे सॉल्व होगा वो बहुत जरूरी है। इतना सारे सेतु बन गए हैं अभी अभी, जैसे महानदी में सिर्फ एक ब्रिज था, अभी यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 100 ब्रिज अक्रॉस ओडिशा, जहां महानदी का ऊपर नया ब्रिजेस हम लोग किए हुए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज, इन सेंट्रल ओडिशा, बिकॉज हमारा फोकस है एक विकास, जो विकास हर एरिया में विजिबल हो, जो संबलपुर में मिले, जो बोलांगीर में मिले। अभी देखिए, आप स्टार्ट किए थे एक ब्रिलियंट क्वेश्चन जगन्नाथ जी के बारे बोल के, और हम लोग तो एक्साइटेड है, जो हमारा 5T चेयरमैन रात 3 बजे भी जाके पहुंच रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के पास, जगन्नाथ प्रकल्प के लिए। मगर अभी आम ओडिशा, नवीन ओडिशा लेके जो कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हुए हैं, हर पंचायत में एक सेपरेट फंड का व्यवस्था की जा रही है, जहां जगन्नाथ कल्चर, जगन्नाथ टेम्पल्स, जो अपना ऐतिह्य का साथ जो लिंक, बिसाइड्स इट जहां आपका बैंकिंग फैसिलिटी जरूरत है, आईटी का जरूरत है, दोस आर बीइंग फैसिलिटेटेड। अब अगर हम 5T की बात करें, तो जो टाइम ट्रांसपेरेंसी और एक ट्रांसपेरेंट वे आप लोग डेवलप कर रहे हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी और सब चीजों के साथ में, तो पर्यटन विभाग आपके नेतृत्व में 5T के आंकड़े पर कितना सटीक उतरा है, और उसके आगे चैलेंजेस अभी क्या दिख रहे हैं, और उन चैलेंजेस को बीट करने के लिए? मैं एक चिट्ठी लिखा था 5T साहब के पास, क्या मैं एक चिट्ठी लिखा था बीच में, कुछ मेरा भी था इन्फॉर्म करने का, मैं एक चिट्ठी लिखा था 5T चेयरमैन साहब को, जो सर अंडर योर गाइडेंस एंड बाय इंप्लीमेंटिंग 5T का प्रोसीजर, 5T का गवर्नेंस मोड, OTDC ओडिशा पर्यटन विभाग, ओडिशा पर्यटन उन्नयन विभाग, जिसका मैं भी टीम मेंबर हूं, आज चेयरमैन का दायित्व में हूं, जो कोविड पोस्ट कोविड में जो लॉस में चल रही थी, इस साल वी हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ अराउंड 7 crore, ऑल क्रेडिट्स टू 5T एंड लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और सबसे बड़ी बात है, आज एक ऐसे समय जा रही है जहां हमारा जो जो, जो यहां से एक लेडी जो रायगढ़ या दूसरी कोई जगह में हुए है, वो चिंता कर सक रहा है, जो वो दुबई जाएगी, सिंगापुर जाएगा, बैंकॉक जाएगा, दैट इज द चेंज वी आर विजुअलाइजिंग। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड 5T, आपको अगर ग्राउंड वर्क आप आगे जितना करेंगे, आप देखेंगे 5T का गवर्नेंस मोड हैज ब्रॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन ओडिशा में, जो कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। ये एक अलग अलग प्रक्रिया है कि आप जो है 5T के नेतृत्व में 7 crore का एक प्रॉफिट खड़ा कर पाए हैं, तो क्या लगता है अगले 5 साल में ये प्रॉफिट कितने गुना बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं? जितना अभी ब्लेसिंग्स है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, 5T चेयरमैन साहब का, और दी एंटायर टीम वर्क जो यहाँ का है, अपना भी ACS साहब है, अपना डायरेक्टर साहब है, और इतना सारे चाहने वाले अपना टीम मेंबर्स हैं, वी विल, हम जब अभी जो टेम्पो में अभी है, स्काई इज द लिमिट। अब एक छोटा सवाल, लेकिन उड़ीसा के लिए शायद बड़ा मायने रखता है। उड़ीसा एक टूरिज्म हब की तरफ बढ़ रहा है 5T के नेतृत्व में, गाइडेंस में पांडियन साहब के और नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में, तो जो गांव देहात में बच्चे बैठे हैं,
जिनके अंदर अपनी कला, संस्कृति और सिस्टम को समझने का पूरा तजुर्बा है या नहीं है, तो सरकार उनको तजुर्बा कर रही है। क्योंकि आप जितने भी पंचायत राज पर जाके पंचायती व्यवस्था में सिस्टम को अभी सुधार रहे हैं जी। तो उसमें क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऐसा कोई तंत्र बना है कि गांव देहात के खाली पड़े बच्चों को उठाकर उड़ीसा के एक यात्रा और गाथा को बड़ा किया जाए? हाँ, मैं कल मैंने एक दिन पहले हम स्टेट म्यूजियम में एक कार्यक्रम में था, जहां करीबन 70 यंग स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स आके पहुंचे हुए थे, जिनका काम था म्यूजियम में पहले वो उड़ीसा का हिस्ट्री का बारे वो कल्चर करेंगे, पहले उड़ीसा का जो मैरिटाइम ग्लोरी है उसका बारे कल्चर करेंगे, उसका बाद वो जाएंगे बाहर अपना टूरिस्ट स्पॉट में, जहां वो बाकी सारे आदमियों को एडुकेट करेंगे। द बेस्ट पार्ट अभी है जहां लोकल पीपल आर बीइंग एंगेज्ड। एक इको रिट्रीट हुआ दारिंगबाड़ी जैसे जगह में, करीबन 100 लोकल आदमी वहां, उनके लिए एक जॉब का पर्सपेक्टिव मिलता है, टूरिज्म का पर्सपेक्टिव मिलता है। हमारा यहाँ जो टीम है, आई हैव ए टीम मेंबर्स ऑफ अराउंड 700 पीपल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर यंग एंड फ्रॉम रूरल एरियाज। और यहाँ रूरल और अर्बन में गैप बहुत कम है सर। आप अभी जाएंगे सारे राज्य में, अभी जैसे हुआ है, यू माइट गो टू कालाहांडी, जहां पहले बोला जाता था, आप तो एक्सपीरियंस और आप बहुत सीनियर है, कालाहांडी में पहले बोल रहा था जो भूख भुक्कड़ हंगर का ज्योग्राफी था कालाहांडी। अभी क्या है, अभी हम लोग बोल रहे हैं भोक्कर और भूगोल भातोहांडी। अभी देश का जो सबसे बेस्ट राइस प्रोडक्शन वो कालाहांडी से हो रहा है, सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया कालाहांडी में है। एक चेंज जो एनविसाज कर रहे थे पहले महापुरुष सब, अभी दैट चेंज इज विजिबल नाउ। इट माइट बी इन फॉर्म ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, इट माइट बी इन फॉर्म ऑफ कालाहांडी। आप एक सुंदर सा चीज देखिए, हम लोग देखे जो ट्राइबल आदमियों है मलकानगिरी में, नवरंगपुर में, उनका पैडी प्रोडक्शन में बिकॉज ज्यादा पानी चाहिए वो थोड़ा तंगी आया उसमें, तो गवर्नमेंट क्या किया, अभी मिलेट का बैकिंग देके गवर्नमेंट स्टार्ट किया। अभी मिलेट प्रोडक्शन में भी वी आर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सबसे बड़ा है ट्राइबल और हिली एरिया का, आपका जो लाइवलीहुड है वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो अभी जब आपका थॉट प्रोसेस है, लीडरशिप है, 5T का गवर्नेंस मोड है, हम लोग अभी वी आर इन ए स्टेज वेयर वी कैन ओनली थिंक बेटर। और टूरिज्म इज ए बिग फैक्टर। आप रूरल एरिया को बोले हैं, मेरे को तो लग रहा है बाय द टाइम यू कम नेक्स्ट, हमारा जो कैरावान टूरिज्म है, आप देखेंगे जैसे हम लोग एक कैरावान लेंगे, कोई जंगल गए, कोई गांव का अंदर गए। अभी बोंडा ट्राइब्स जो है, जो हिल का ऊपर थे, उनका एक दूसरा रहनी चलनी भी डिफरेंट था, अभी बोंडा ट्राइब अपना टूरिज्म पर्सपेक्टिव में काम आ रहे हैं। देयर इज ए चेंज, ए क्लियर चेंज। ये बड़ी बात है। तो बचपन की कुछ यादें, जब आप बचपन में अगर मैं ले जाऊं आपको, तो क्या लगता है कि उस समय का उड़ीसा और आज का उड़ीसा? बहुत सारे चेंज आए व्यक्तिगत का, आपका आपका ओवरऑल एक डेवलपमेंट में चेंज आया, बहुत सारे चेंज हम लोग उसको देख रहे हैं, कॉमन आदमी भी खुश हो रहे हैं, बट इट्स ए प्रोसेस। बच्चा जब था एक दूसरा माहौल था, मैं तो केउंजर का एक छोटी सी जगह में मैं पढ़ा बढ़ा, बड़बिल बोल के एक छोटी सी जगह केउंजर में, पिताजी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे थे, उसलिए मैं वहां था। और वो प्रोसेस से आज का जो हफ्ता देख रहे हैं, एक ट्रेमेंडस चेंज है। तब भी हमको अच्छा लग रहा था, वो जो सॉलिट्यूड, वो माउंटेन्स, वो पानी, वो रिवर, वो दूसरी आनंद दे रहा था, अभी एक दूसरा टाइप का आनंद दे रहा है। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मगर अंडर लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक एंड अडॉप्टिंग 5T गवर्नेंस मॉडल, जो चीज हम लोग सोच नहीं सकते, मैं सोच नहीं सकता, कभी पहले सोच नहीं सकता, मेरा जैसे हजारों आदमी होंगे जो उड़ीसा कभी बैक करेगा हॉकी टीम को, नाउ उड़ीसा इज डूइंग इट। आप देखोगे उड़ीसा में अभी डॉक्टर सरप्लस, जो अपना पड़ोसी राज्य है, वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, आप कभी कटक चले जाए, जो SCB मेडिकल कॉलेज अपना पहला मेडिकल कॉलेज का हैसियत में था, अभी एक एम्स प्लस का स्टेटस में आ गई है। चेंजेस आर हैपनिंग, एंड हर बार एक अच्छा चीज है, आप चेंज को अडॉप्ट करो। हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं।
अब आपकी मुस्कुराहट और आपसे जब बातचीत कर रहा हूं तो लग रहा है कि इस यात्रा को और लंबा खींचे। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में आ रहा है जब आप बात कर रहे हैं आपकी मुस्कुराहट को देखते हुए, कि बचपन की कुछ शैतानियां डॉक्टर लेनी मोहंती जी को याद होंगी, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि बचपन का ऐसा पल जब कभी आप अकेले में बैठते हो तो याद आता है और आप हंस पड़ते हो। कभी कभी तो वो तो हर आदमी का जीवन में आता है। हमारा पैशन था गाड़ी चलाना। 6-7 क्लास में, जैसे लाइक ऑल अदर्स, मैं एक बार फोर व्हीलर पिताजी को नहीं बता के निकाल के ले गया, ले तो गया, उसको लेके पीट दिया। तो दोज आर सम एक्सपीरियंस। जब वहां से लौटा घर और घर में मुलाकात हुआ पिताजी का साथ, जो फील था वो आज तक मेरे को कभी लोनली मोमेंट में बैठने से हम याद करते हैं, उसको हंसते रहते हैं जो कैसे था वो दिन। मगर एक चीज है, तब एक डिफरेंट अपना थॉट प्रोसेस था, अभी डिफरेंट थॉट प्रोसेस था है। वो जो चाइल्डिशनेस विद इन अस, जो बच्चा हर आदमी का अंदर एक रहता है, आई हैव ट्राइड टू कीप इट अलाइव एज ए रिसर्चर, एज ए थिंकर, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज ए बीजेडी मेंबर, एज ए फॉलोअर ऑफ नवीन पटनायक। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू हैव दैट यूथफुलनेस इन मी। और मेरे को लग रहा है सर, जो स्टूडेंट लीडरशिप से आते हैं मेन स्ट्रीम में, उनका अंदर एक बच्चा हरदम रहता है टिल ही डाइज और सी डाइज। तो आई विल कीप इट अलाइव। आई एम ट्राइंग हार्ड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डू द वे दैट माय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड 50 चेयरमैन एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ मी, एंड थिंग्स आर हैपनिंग। ये बड़ी अच्छी बात है। देश को तो आप मुस्कुरा करके समझौते के साथ चला रहे हैं जी। मतलब मुख्यमंत्री जी लड़ने की बजाय मुस्कुरा करके पॉलिसीज को एंटरटेन कर रहे हैं। जब प्रदेश की बात करें तो यहाँ टक्कर उन्हीं से है जिनके साथ आप मुस्कुरा के यात्रा कर रहे हैं, तो कितना तैयार है सरकार? वो होगा। वो देखिए, भारत एक फेडरल, हम लोग एक संघीय गणतंत्र हम लोग बोलते हैं, तो वहां केंद्र का कुछ काम है, राज्य का कुछ काम है, मगर काम का रीजन में आप एक रिलेशनशिप स्पॉइल करोगे। मेरे को लगता है उड़ीसा डजंट बिलीव इन दैट। रिलेशनशिप इज रेस्पेक्टेड एट ए डिफरेंट पॉइंट, मगर जब स्टेट का इंटरेस्ट आती है, वी हैव टू टेल। अगर महानदी का सॉल्यूशन ना निकले, हम लोग डेफिनेटली कुछ ग्रीवांस हम लोग देंगे। अगर पुल्लावरम का कुछ रिजल्ट ना निकले, हम लोग डेफिनेटली कुछ बोलेंगे। अगर रेलवे, जो हमारा जो 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 एक लाइफलाइन टाइप हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, कितना गया और हम लोग कितना मिला, अगर वो जरूरी है तो हम लोग तब बोलेंगे। मैं आपसे पहले बात कर रहा था नेशनल इंटरेस्ट का बात, मगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो हर आदमी को जो अप्रिशिएट करते हैं, उनको एक छोटी सी चीज के लिए, मैं तो इतना यार, मेरा दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बाकी सारे राज्यों में जो सब है, दे आर हैप्पी दैट वी हैव ए लर्नड चीफ मिनिस्टर, ए चीफ मिनिस्टर हु डजंट जंप टू खाली हल्ला गुल्ला के लिए वो नहीं जाते हैं। ही मीन्स इट। जब वो कुछ करने का सोचते हैं, ही मीन्स टू डिलीवर इट। सो आपका वहां जब इश्यूज का ऊपर कुछ आती है, वी हैव अवर ओन ऑब्जर्वेशन, तो हम लोग वी विल वर्क इनटू दैट मोड। बट जहां अपना स्टेट का अंदर कुछ फाइट है, वी फाइट इट टू द कोर। वी आर 24/7 प्रिपेयर्ड। बीजू जनता दल इज ए फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल पार्टी विच इज 24/7 ऑन ग्राउंड। बीजू जनता दल एक ऐसे राजनीतिक दल है जो शुरू होने से आज तक, करीबन 1997 शुरू होके अप्रैल, एक जर्नी जो बीजू बाबू का डेथ का बाद दिसंबर 26 आ रही है, अपना फाउंडेशन डे है, तब से आज तक जितना निर्वाचन हम लोग फेस किए हैं सर, बीजू जनता दल इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया जिसका वोट हर बार बढ़ती जाती है। तो देयर मस्ट बी समथिंग। ऐसे होगा नहीं। अभी एट द मोमेंट वी हैव ए वोट परसेंटेज ऑफ 55%। पंचायत हम लोग हर जगह जीते, और सबसे बड़ा है वी आर एम्पावरिंग वेमेन। जो आइडिया उड़ीसा आज करती है, नेशन मेन स्ट्रीम उसको कल उसको अप्रिशिएट करती है। उड़ीसा में आज का दिन में जो 30 जिला परिषद है, 28 चेयर में अभी महिलाओं बैठे हुए हैं।
We are the only party which has committed and given women their reservation in the assembly. अभी आपका जब केंद्र स्तर में जब पार्लियामेंट में मूव आया, आप सुन के खुश होंगे, बीजू जनता दल वॉज दी ओनली पार्टी, हमारा लीडर नवीन पटनायक हर पार्टी को वो आदमी भेजे सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेके, द लेट अस पास दी 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा। तो द कमिटमेंट जब आपका रहेगा, आपका डिलीवरी जरूर रहेगा, जो हमारे लिए सबसे अच्छा आइडल और एग्जाम्पल है श्री नवीन पटनायक। तो मतलब इस बार मान के चले कि उड़ीसा जो है नवीन पटनायक जी की मुस्कुराहट को, वीके पांडेन जी की मेहनत को और डॉक्टर लेनिन मोहंती जी के सपने को और ज्यादा भारी भरकम मतों से आगे बढ़ा करके देखिए वाला है। अभी तो हम लोग वी आर वेटिंग फॉर ए वर्डिक्ट प्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद में टू सी अवर चीफ मिनिस्टर गेटिंग ए मैसिव मैंडेट फॉर द सिक्स्थ कंसेक्यूटिव टर्म। सिक्स टर्म, पांच टर्म कंटिन्यूअसली आया, सिक्स टर्म में भी वी आर श्योर दैट by the blessings of Lord Jagannath or leadership of Sri Navin Patnaik and the 5T governance mode or focus of Sri V. Karthikeyan Pandian, हम लोग sixth term तो जरूर आएंगे और जरूर आने का बाद एक record होगा जो honorable chief minister को एक longest serving chief minister of the country का जो आख्या है वो उड़ीसा को मिलेगा, honorable chief minister नवीन पटनायक जी को मिलेगा। And the kind of work और जितना काम नवीन जी किए हैं, that would be a small गिफ्ट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द पीपल ऑफ द स्टेट। तो कहने का मतलब है कि जैसे चारों धाम में सबसे बड़ा धाम जगन्नाथ धाम, तो वैसे ही देश के सभी मुख्यमंत्रियों में एक बड़ा नाम नवीन पटनायक का होने। मेरे को तो लग रहा है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक आएंगे। ही इज ए स्टेट्समैन, कंट्री इज गिफ्टेड विद लॉट ऑफ ग्रेट लीडर्स, बट नवीन पटनायक इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड पीपल इन फ्यूचर विल रीड अबाउट श्री नवीन पटनायक फॉर वन स्मॉल रीजन, दैट हाउ a man was loved by 4.5 crore Odias. How a man was able to bring a change at Koraput, at Malkangiri, at Kalahandi and at Puri. And how can a man, jo 100 saal jo socha nahi gaya tha Jagannath Mandir ka bare, abhi sirf Jagannath Mandir ka to change wo to hoga hi hoga, baki sare jagon ka jo Jagannath ji ka apna jo culture, apna identity, apna jo parichay hai Prabhu Sri Jagannath ka, usko kaise phir rejuvenate kar rahe hain. That's the huge thing. वो blessings है प्रभु श्री जगन्नाथ का, legendary अपना जो leader है, अपना जिनका नाम में पार्टी आई हुई है बिजू बाबू का, और leadership of श्री नवीन पटनायक which is now being beautifully placed and beautifully focused by 5T chairman श्री वी. कार्तिकेयन पांडेय। ये बेहतरीन बात है, उड़ीसा का अपना या पराभव और यह वैभव उस मुस्कुराहट के दिन है जो नवीन पटनायक साहब हमेशा अपने चेहरे पर रखते हैं। नवीन पटनायक साहब की छाया कहें या उनके अपने परिवेश में पल भर रहे राजनेता डॉक्टर लेनिन मोहंती एक उस राह को दिखा रहे हैं जहां उड़ीसा का गांव का बच्चा ये सोचता है कि हमें होना चाहिए। ऐसे लोगों का उड़ीसा में होना उड़ीसा के अपने सभ्यता के साथ साथ उसके बढ़ते कदम को साफ तौर पर दिखाता है। उड़ीसा आगे बढ़ेगा जगन्नाथ धाम के साथ साथ नवीन पटनायक जी जो बीजू पटनायक जी की लिगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, बीजू जनता दल के सभी लोगों के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उस है सोच कि उड़ीसा नवीन उड़ीसा बनेगा या आने वाले समय में दिखेगा भी और सबको दिखाएगा भी। पर्यटन के लिए जब आप आए तो उड़ीसा जरूर आए, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। यहाँ आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का वो सारा डोज है जो आस्था के साथ आनंद के हिलोरे समुद्र तट पर लेता है। समुद्र कितने भी थपेड़े मारता रहे, लेकिन उड़ीसा ये बता रहा है कि हर थपेड़े वो एक अलग नई शुरुआत करता है। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू।